अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुदब्बिर उम्मा, आप हमारे साथ देख रहे हैं आईएनयू। हमें जलगांव शहर में और यहाँ पर आज जलगांव शहर महानगर पालिका की इलेक्शन की जो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल पूरा जो है हिफाजती इंतजाम है, सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए, पुलिस का अमला पूरा यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से ये जो है बूथ बनाए गए हैं, मतमोजनी केंद्र है, यहाँ पर 40 टेबल लगाए गए हैं, 40 अधिकारी हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर इस तरह से मतों की गिनती होने वाली है यहाँ पर, और 40 ऑफिसर है, 40 टेबल लगाए गए हैं, और 10 बजे मतों की काउंटिंग जो है, वोटों की काउंटिंग जो है 10 बजे शुरू होने वाली है, और ठीक 11:30 बजे हमारे हाथ में पहला निकाल आएगा। जलगांव महानगर पालिका इलेक्शन के वोटों की गिनती शुरू है और अलग अलग रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। अभी जो है 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 22 से 14 सीटों पर जो है शिवसेना समेट चुकी है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पहली मरतबा यहाँ पर जलगांव इंतखाब लड़ रहे हैं, इनमें 18A, 18B और 18C के जो तीनों उम्मीदवार हैं, रियाज भगवान, सुन्नाबी देशमुख और सैदाबी शेख, ये तीनों उम्मीदवार जो आगाड़ी पर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आप हमारे साथ देखते रहिए, हम आपको अपडेट दे रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आईएन न्यूज़, हम आपको पूरी कवरेज दिखा रहे हैं।